समीर के चिल्लाने पर अक्षत ने समीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैशाली की तरफ बढ़ने लगा। वैशाली वहां अक्षत को देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसके मुंह में तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। अक्षत आकर सीधा वैशाली के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें कठोर थीं और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। समीर को अब अपने सामने खड़े आदमी को देखकर गुस्सा आ रहा था। उस आदमी का वैशाली को इस तरह से देखना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अक्षत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अक्षत ने उसकी तरफ बिना देखे उसकी छाती पर अपना एक हाथ रख दिया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सका। वैशाली ने डरते हुए अक्षत की तरफ देखकर कहा, तुम यहां? तुम रूस से कब आए? अक्षत ने वैशाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और उसने वैशाली को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसने बिना देरी किए वैशाली के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर दिया। अपने सामने वैशाली को किसी और के द्वारा किस करने से समीर हैरान था। उसको इतना तो समझ आ गया था कि वैशाली उस आदमी को अच्छे से जानती है, लेकिन उसके अंदर वैशाली से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वैशाली ने इस आदमी का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था। वो बस यूं ही अक्षत और वैशाली को किस करते हुए देखता रहा। जब अक्षत वैशाली से अलग हुआ तो उसने कठोर नजरों से समीर को देखा और कहा, वाइफ है मेरी, दूर रहना। इतना कहकर अक्षत ने वैशाली का हाथ पकड़ा और वहां से उसे लेकर दरवाजे से बाहर निकल गया। समीर बस उन्हें वहां से जाते हुए देख रहा था। उसे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वैशाली शादीशुदा है। अक्षत और वैशाली दोनों कार में थे। वैशाली अपनी चोर नजरों से अक्षत की तरफ देख रही थी। अक्षत का कुछ ना बोलना वैशाली को काफी ज्यादा खल रहा था, इसलिए वैशाली ने ही बात करना ठीक समझा। वैशाली ने अक्षत का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम कब आए रूस से? तुमने कॉल भी नहीं की। अक्षत ने पहले वैशाली के हाथ को देखा और फिर उसके हाथ को। उसने झटके से वैशाली का हाथ झटक दिया और कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। वैशाली ने एक पाउट बना लिया और उसने अक्षत को साइड से हक कर लिया। अक्षत ने इस बार वैशाली को कुछ नहीं कहा, वो बस बाहर देखता रहा। जब अक्षत की कार विला में पहुंची तो अक्षत तुरंत कार से उतरकर सीधा विला के अंदर चला गया। अक्षत वैशाली को वहीं छोड़कर चला गया था। वैशाली ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अरे अब इस खड़ूस को बनाना पड़ेगा, कितना गुस्सा करता है। ये कहकर वैशाली भी अक्षत के पीछे भाग गई। जब तक वैशाली अक्षत के पीछे रूम तक पहुंची, तब तक अक्षत शावर लेने बाथरूम में जा चुका था। वैशाली ने अपने रूम को ध्यान से देखा। जब से अक्षत रूस गया था तब से वो यहाँ नहीं सचदेवा मेंशन में रह रही थी, लेकिन ये रूम वैसा का वैसा था। थोड़ी देर में अक्षत शावर लेकर बाहर आ गया। अक्षत ने फिर भी वैशाली की तरफ नहीं देखा। खड़ूस! ये कहकर वैशाली भी शावर लेने बाथरूम में चली गई। जब वैशाली शावर लेकर आई तो अक्षत रूम में नहीं था। वैशाली उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। अक्षत अपने स्टडी रूम में कुछ जरूरी काम कर रहा था। वैशाली ने धीरे से स्टडी रूम का दरवाजा खोला। उसने देखा कि अक्षत चेयर पर बैठा था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वैशाली ने आराम आराम से अपने कदम अक्षत की तरफ बढ़ा दिए। अक्षत को पहले ही एहसास हो चुका था कि वैशाली रूम में है। वो उसकी खुशबू को अच्छे से पहचानता था। वैशाली ने पीछे से अक्षत को हक कर लिया और कहा, आई मिस यू सो मच। अक्षत ने वैशाली के हाथों को अपनी गर्दन से हटा दिया और उनको पकड़कर वैशाली को आगे लाकर अपनी गोद में बैठा दिया। अक्षत का चेहरा अभी भी कठोर था और उसका फेस देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बोलो, अक्षत ने अपनी कोल्ड आवाज में वैशाली के चेहरे को देखते हुए कहा। वैशाली ने अक्षत को हक कर लिया और उसके सीने पर अपने सर को रखते हुए कहा, तुम मेरे साथ ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? अक्षत ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? वैशाली को पता था कि अक्षत उससे ये सवाल जरूर पूछेगा, इसलिए वो उसके जवाब के लिए पहले से ही रेडी थी। वैशाली ने थोड़ा डरते हुए कहा, वो मैं तो बस उसके साथ डिनर करने गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है, वरना मैं उसके साथ कभी नहीं जाती। अक्षत ने थोड़ा गुस्से से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्यों?
सचदेवा मेंशन में खाने की कमी पड़ गई है जो तुम उस आदमी के साथ डिनर करने गई। वैशाली ने मायूस होकर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। मैं तो बस यूं ही चली गई थी। वैशाली की बात सुनकर अक्षत ने कहा, ये वही है ना जिसे तुम पसंद करती थी। अक्षत की बात सुनकर वैशाली धीरे से बुदबुदाई, इसको अभी तक याद है, ये अक्षत कभी कोई बात क्यों नहीं बोल सकता। उसको चुप देखकर अक्षत दोबारा से बोला, तुमने जवाब नहीं दिया। वैशाली ने थोड़ा सोच कर कहा, मैं इसको पसंद नहीं करती थी, मुझे तो इसकी एक्टिंग पसंद थी। अक्षत उसके बोलने के बाद तुरंत बोला, और अब? वैशाली ने भी चालाकी से जवाब दिया, अब तो मुझे खुद की एक्टिंग पसंद है और मैं खुद को प्यार करती हूँ, और तुम्हें खुद से ज्यादा, बाकी से मुझे कुछ नहीं लेना। वैशाली ने अपनी गर्दन उठाकर अक्षत को देखा। अब अक्षत का फेस पहले से काफी नॉर्मल हो चुका था। वैशाली को ये देखकर काफी खुशी हुई कि वो इस खड़ूस को थोड़ा बहुत तो शांत कर पाई। उसके बाद उसने अक्षत से कहा, चलो अब मुझे नींद आ रही है, मैं आज तुम्हें हक करके सोना चाहती हूँ। अक्षत ने भी वैशाली को बड़े प्यार से खुद की बाहों में उठा लिया और उसको बेडरूम में लेकर आ गया। वो दोनों बेड पर लेट गए और वैशाली ने कसकर अक्षत को हक कर लिया। वैशाली ने धीरे से अक्षत से पूछा, तुम रूस क्यों गए थे? बिजनेस के सिलसिले में, अक्षत बोला। अच्छा, ये कहकर वैशाली ने अक्षत की गाल को चूम लिया और उसको बड़े प्यार से देखने लगी। अक्षत की आंखों में तुरंत चमक आ गई और उसने अपने हाथ को वैशाली की कमर के चारों तरफ लपेट लिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वैशाली का फोन अचानक से बजने लगा। अक्षत की आंखें फिर से कठोर हो गईं। वैशाली अक्षत से अलग हुई और टेबल पर रखे अपने फोन को उठा लिया। उसको विराज कॉल कर रहा था। वैशाली ने भी कॉल को उठा लिया और कहा, हाँ बोलो। विराज की सख्त आवाज फोन की दूसरी तरफ से आई, तुम कहाँ हो? वैशाली को याद आया कि वो तो घर में बताने ही भूल गई थी कि वो अक्षत के साथ वापस यहाँ आ गई है। वैशाली ने जवाब दिया, अक्षत वापस आ गया है इसलिए मैं उसके साथ घर आ गई। वैशाली की बात सुनकर विराज थोड़े गुस्से से बोला, हम तुम्हारा यहाँ आने का वेट कर रहे हैं और तुम अपने उस अक्षत के साथ चली गई। वैशाली ने माफी मांगते हुए विराज से कहा, अच्छा सॉरी ना, मैं बताना भूल गई जल्दी जल्दी में, माँ को बोलना कि मैं उनसे मिलने आऊंगी। विराज थोड़े गुस्से में बोला, ऐसी भी क्या जल्दी थी जो तुमने हमें बताना ठीक नहीं समझा? उस दो पौड़ी के इंसान के आते ही तुम हमें भूल गई। ऐसे ही चलता रहा तो वो अक्षत किसी दिन तुम्हारी याददाश्त ही मिटा देगा। वैशाली ने थोड़े गुस्से में जवाब दिया, भाई आप मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। विराज ने कुछ नहीं कहा और उसने फोन काट दिया। वैशाली ने बस अपनी गर्दन हिला दी और अक्षत के पास जाकर उसको हक करके सो गई। सुबह वैशाली जब उठी तो अक्षत पहले ही उठ चुका था। जब वैशाली रेडी होकर नीचे आई तो अक्षत सोफे पर बैठा कुछ काम कर रहा था। वैशाली ने मन ही मन कहा, ये आदमी सच में बहुत काम करता है। वो जाकर अक्षत के पास बैठ गई और उसे लाचारी से देखने लगी। अक्षत ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, उठ गई? वैशाली ने हूं में जवाब दिया। कुछ देर बाद उसके साथ बैठने पर वैशाली ने उबासी लेते हुए अक्षत से कहा, चलो नाश्ता करते हैं, फिर मुझे शूटिंग के लिए भी जाना है। जब वैशाली की बात पूरी हुई तो अक्षत को एकदम से कल की बात याद आ गई। अक्षत की आईब्रोज आपस में मिल गईं। उसने आखिरकार अपना ध्यान डॉक्यूमेंट से हटाकर वैशाली की तरफ देखा और उसने सख्त आवाज में कहा, तुम मुझसे दूर रहना। क्या होगा आगे? क्या वैशाली रख पाएगी समीर को खुद से दूर? और क्या सच पता लगने के बाद समीर के दिल से वैशाली के लिए हो जाएंगी सभी फीलिंग्स खत्म, या कहानी लेगी कुछ और मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।